हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हारे नहीं रहा आप कहीं अंधेरा पाठ के अभ्यास करेंगे। नंबर एक, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर क, चिड़िया क्या कह रही है? इसका उत्तर होगा, चिड़िया मीठे गीत सुनाकर बोल रही है, जल्दी उठो सवेरा हो गया है। नंबर ख, कोयल की आवाज़ कानों में कैसे लगती है? इसका उत्तर होगा, कोयल की आवाज़ कानों में मिश्री घोल रही है। नंबर ग, कलियां कब खिलती है? इसका उत्तर होगा, सवेरा होने से कलियां खिलती हैं। नंबर घ, ठंडी हवा चलने से क्या होता है? इसका उत्तर का, मतवाली ठंडी हवा बहने से सबको ताजगी मिलती है। नंबर व, सूर्य के चमकने पर क्या होता है? इसका उत्तर होगा, सूर्य के चमकने पर सबका आलस दूर हो जाता है। नंबर दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर क, चिड़िया डेक्स गीत सुनाती है। इसका उत्तर होगा, मीठे। नंबर ख, कोयल का रंग डेक्स होता है। इसका उत्तर होगा, काला। नंबर ग, तितली डेक्स पर मंडराती है। इसका उत्तर होगा, फूल पर। नंबर घ, ठंडी हवा हमें डेक्स देती है। इसका उत्तर होगा, ताजगी। नंबर व, सूर्योदय होने पर डेक्स दूर हो जाता है। इसका उत्तर होगा, आलस। नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों के विलंब शब्द लिखिए। तो जैसे अंधेरा, आलोक व शाम, मीठा, खट्टा, खिलना मुरझाना, ठंडा, गरम। नंबर चार, इस कविता को कंठस्थ करके कक्षा में सुनिए। नंबर पाँच, लिखिए इस कविता से शब्द लेकर सुबह के दृश्य का वर्णन पांच वाक्य में कीजिए। इसका उत्तर होगा, सवेरा होते ही अंधेरा दूर हो जाता है, सवेरे समय चिड़िया मीठे गीत सुनाती है, सुबह के समय तितली फूल पर मंडराती है, सवेरे होने से सबको मतलबी ठंडी हवा ताजगी देती है, सूरज चमकने पर सबका आलस दूर होता है।